शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज भगवान श्री कृष्ण के अष्टक, भगवान श्री राम के अष्टक इस फिल्म में जा रहे हैं। इस फिल्म में या हमारी और कुछ पुरानी फिल्मों में एक वीडियो आपको बार बार दिखता है, जिसमें भगवान शंकर ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं और बगल में भगवान श्री कृष्ण का गाय के साथ चित्र है बांसुरी बजाते हुए, उस पर एक माला पड़ी हुई है। तो इस चित्र का हम एक परिचय दे दें कि ये माला कहाँ से आई। दरअसल ये माला स्वयं भगवान श्री कृष्ण की है और हम जब गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गए थे गिरिराज जी पर्वत की, तो वहाँ परिक्रमा जो शुरू होती है दान घाटी मंदिर से शुरू होती है। तो वहाँ जब हम पहुँचे दान घाटी मंदिर में दर्शन करने, परिक्रमा शुरू करने से पहले, तो पुजारी जी को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने सीधा भगवान कृष्ण की विग्रह में से फूल माला उतारी और वो सीधी हमारे गले में डाल दी। रात का वक्त था, परिक्रमा रात में लगाई थी हमने, तो उस माला को लेकर के गले में डाले हुए, खैर हम परिक्रमा पूरी करे आए। उसके बाद में यही माला हमने यहाँ प्रभु भगवान श्री कृष्ण को ही वापस सुनी के गले में डाल दी। तो ये दान घाटी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के गले से आई हुई माला है जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चढ़ी हुई है, वीडियो में आप देख रहे होंगे। और ये असल माला असल मंदिर से और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को हमने वापस डाल दी। बीच में जरूर पुजारी जी ने डाल दी थी, तो परिक्रमा में हम डाले रहे और माला का बहुत तेज असर था वहाँ। वो योग निद्रा वाली कहानी तो हम पीछे की फिल्म में बता चुके हैं आपको, अब आप इसे देखें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का अर्थ ही ये होता है कि असुरों का संहार, दुष्टों का संहार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यम्, अपरित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जब भी भला करने का मौका आएगा जरूर करेंगे, बनना बुरे भी हम भले भी हम, ये भगवान श्री कृष्ण की नीति है और इसी नीति का हम अपने जीवन में भी पालन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टक का यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टक है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम अरे रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा
सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा उद्दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये मधुराष्टक जो है भगवान श्री कृष्ण का, ये जिस घर में उच्चारण होता है पूजा के समय सुबह शाम, उस घर में आपस में पारस्परिक परिवार में कुटुंब में प्रेम भाव बना रहता है और सब आपस में एक रहते हैं। उस समय आपस पारस्परिक प्रेम बढ़ता हुआ परिवार छिन्न भिन्न नहीं होता, टूटता नहीं है। तो ये मधुराष्टक है भगवान का, तो इस मधुराष्टक की महिमा बहुत है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इसको नित्योच्चारण करें तो इससे आपको घर में किसी प्रकार का वो नहीं होगा, प्रेम भाव या लड़ाई झगड़ा होता हो या किसी प्रकार की क्लेश कलह होता हो तो ये उसको नष्ट कर देता है। मधुराष्टक का उच्चारण भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए और साथ में राधा जी हों और गोपियाँ और गोपाल के साथ में अन्य उसके सखा, ऐसा कोई चित्र सामने रखना चाहिए और उसके समक्ष इस मधुराष्टक का उच्चारण किया जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण का जो श्री कृष्णाष्टक है तो हम श्री कृष्णाष्टक का अभी यहाँ उच्चारण कर रहे हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उच्चारण करना चाहिए। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम कदंब सून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम ब्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समुदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम ददान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्ण धारकम यशोमति केशोरकम नमामि चित्त चोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदाल संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नव नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम स्वरदे दुषन्निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदंबुजय कमोदनम नमामि कुञ्जमद्दिगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ कल्प शायनम नमामि कुंज कानने प्रबद्धि वै निपायनम किशोर कांति रंजितम दृगज्जनम सुशोभितम गजेन्द्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कता मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यापमान भवे सनंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा।
ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आपके समक्ष भगवान श्री राम का रामाष्टक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रामाष्टक जो है दुखी देवताओं ने जिनकी वंदना की है, जो सूर्य वंश को आनंदित करने वाले हैं तथा जिनके ललाट पर चंदन सुशोभित है, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ। ये रामाष्टक में स्वयं ही उच्चारित है कि इसके क्या क्या वंदना है इसमें। ये भगवान श्री राम का रामाष्टक है और श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद ने इसकी रचना की है। कृतार्थ देव वंदनम दिनेश वंश नंदनम सुशोभिभालचंदनं नमामि राममीश्वरम्। कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचंदनं नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। स्वतातवाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम्। पुरंगमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकीशनायकं नमामि राममीश्वरम्। प्लवंगसंगसम्मितं निबद्धनिम्नगापितं दशास्य वंशसंक्षतिं नमामि राममीश्वरम्। प्लवंगसंगसम्मतिं निबद्धनिम्नगापतिं दशास्य वंश संक्षतिं नमामि राममीश्वरम्। विदीन देह हर्षणं कपीपस्तार्थवर्षणं स्वबंधु शोक कर्षणं नमामि राममीश्वरम्। विदीन देव हर्षणं कपीपस्तार्थवर्षणं स्वबंधु शोक कर्षणं नमामि राममीश्वरम्। गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम्। हृताखिलाचलाभरं स्वधामगिनीतनागरं हृताखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरं जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्। हृताखिलाचलाभरं स्वधाम नीतनागरं जगत्तमो दिवाकरं नमामि राममीश्वरम्। इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तममाष्टकम् इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तममाष्टकम् पठन् निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते। इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकं पठन् निरन्तरं, यानी कि पठन
पठन निरंतरम भये भवोद्भवम न विन्दते। तो इदम समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकम् पठन निरंतरम भयम् भवोद्भवम न विन्दते। ये श्री राम जी का, भगवान राम का ये रामाष्टक था। जय श्री राम, जय हो प्रभु। तो ये भगवान श्री राम के लिए जब पूजा करें, उनकी अर्चना करें, तो इसे रामाष्टक को एक बार उच्चारण करें तो ये बहुत सुंदर वो है। अब हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनींद्र संतरंजनम सुरारि वृंद वंजनम मनोज वैरी वंदितं अयादि देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमाम इंदिरापति सुखाकरं सतागतिं भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रजा प्रियानुजम त्वदंग्रि मूल ये नरा भयंति हीन मत्सरा पतंति नो भवान वितर्क वीचे संकुले विविक्त वासिने सदा भजंति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रियांति ते गति स्वयवकम् तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं अनूपरूपभूपतिं नतो अह मुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये इस्तवं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयस्त्वदीय भक्ति संयुतः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भगवान श्री राम की स्तुति थी। अब भगवान श्री राम का जो पूजा अर्चना करते हों उसके समक्ष इसका उच्चारण सुने और ये इससे प्रभु की अत्यंत प्रसन्नता होती है। सभी देवी देवताएं विशेषकर बजरंगबली के मंदिर में जा करके इनका उच्चारण किया जाए तो बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी दया करते हैं और उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है।